डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट युती संचलित व्यंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद हिंदी विभाग प्रस्तुत करते हैं साहित्य प्रयोजन। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचळ। सभी दर्शकों से नम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल जय हिंदी जय नागरी पर को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, साझा कीजिए और इसकी सदस्यता लें ताकि आपको अगली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन संसूचना मिलती रहे। साहित्य प्रयोजन भारतीय दृष्टि एवं पाश्चात्य दृष्टि। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक कार्य सोद्देश्य होता है, साहित्य का सृजन भी सोद्देश्य ही होता है। सर्जक तथा पाठक साहित्य से विशिष्ट प्रयोजन की अपेक्षा रखता है। सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो वह कठपुतली होता है, जब वह निर्णय करता है तो कवि बन जाता है। परंतु काव्य हेतु की अपेक्षा काव्य प्रयोजन का प्रश्न साहित्य शास्त्र का एक जटिल प्रश्न माना जाता है। कोई भी काव्य निरुद्देश्य एवं निष्प्रयोजन मानना है, कोई सोद्देश्य एवं सप्रयोजन मानता है। परंतु सच्चाई यह है कि साहित्य हमेशा सप्रयोजन रहा है। देश, काल, युग प्रवृत्तियों, रुचियों, आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य पर अनेक प्रकार के प्रयोजन लादे जा रहे हैं। भारतीय संस्कृत आचार्यों में सर्वप्रथम नाम आता है आचार्य भरत मुनि का, जिन्होंने नाटक विधा के लिए निम्न प्रयोजन बताए हैं। दुखार्तानाम, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्विनाम, विश्राम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति, अर्थात विश्व में दुख और शोक से आर्त लोगों के लिए तथा तपस्वियों के लिए विश्राम देने के लिए नाटक भविष्य में कार्य करेगा। धर्म्यम, यशस्यम, आयुष्यम, हितबुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जननम, नाट्य में तद भविष्यति, अर्थात धर्म, यश, आयुवृद्धि, हित साधन, बुद्धिवर्धन एवं लोकोपदेश के लिए यह नाटक भविष्य में प्रयास करेगा। आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन के रूप में लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणम कलाशु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कलाओं में विचक्षणता पाना, कीर्ति और प्रीति पाना ही काव्य का प्रयोजन है। आचार्य दंडी ने भी ज्ञान और यश प्राप्ति को काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य वामन ने लिखा है कि काव्यम सददृष्ट दृष्टार्थम प्रीति कीर्तिम हेतुत्वाद, अर्थात प्रीति एवं कीर्ति को काव्य का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रयोजन है। आचार्य रुद्रट ने भी यश की प्राप्ति, अनिष्ट का नाश एवं अर्थ की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना है। आचार्य राजन कुंतक ने औचित्य या व्यवहार का ज्ञान, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और अद्वितीय चमत्कार की उपलब्धि, ये तीनों काव्य प्रयोजन माने हैं। आचार्य भोजराज ने लिखा है कीर्तिम प्रीतिम च विंदति, अर्थात यश और आनंद ही काव्य प्रयोजन है। आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है सहृदय मन प्रीतये तत्स्वरूपम, अर्थात केवल प्रीति ही काव्य प्रयोजन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। इन आचार्यों के बाद साहित्य या काव्य प्रयोजनों की स्थिति में आचार्य मम्मट द्वारा उल्लेखित प्रयोजनों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। वे लिखते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता सम्मितोपदेश युजे, अर्थात यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का नाश, लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति तथा पत्नी के समान मधुर उपदेश,
ये छह काव्य प्रयोजन हैं। आचार्य मम्मट ने अपने सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों का गंभीर अध्ययन करने के उपरांत उपर्युक्त छह काव्य प्रयोजन निश्चित किए हैं। अब हम इन छह काव्य प्रयोजनों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। पहला काव्य प्रयोजन है यश अथवा कीर्ति प्राप्ति। प्राचीन संस्कृत साहित्य शास्त्रियों में से अधिकांश आचार्यों ने यश या कीर्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। यश यह एक प्रधान प्रेरक शक्ति है। गीता में स्वयं योगिराज श्री कृष्ण ने कहा है यशो लभस्व। ऐसा भी कहा जाता है कि यश प्राप्ति की कामना सामान्य जनों की पहली कमजोरी है एवं महान जनों की अंतिम कमजोरी है। संस्कृत के कालिदास, भास, भवभूति आदि कवियों ने यश प्राप्ति के लिए ही काव्य की रचना की थी। आचार्य रुद्रट के अनुसार साहित्य सृजन के माध्यम से सर्जक को यश मिलता है, साथ ही वर्ण्य नायक को भी केवल यश प्राप्त नहीं होती अपितु साहित्य के माध्यम से वह स्थिर चिरस्थायी बना देता है। परंतु हर साहित्यकार को यश प्राप्ति नहीं होती। महाराज भर्तृहरि कहते हैं जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कविश्वरः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। अर्थात जो कवि रससिद्ध होते हैं उनकी हमेशा विजय होती है, क्योंकि उनके यशरूपी शरीर को वृद्धावस्था या मरण का डर नहीं होता। स्पष्ट है कि यश प्राप्ति की कामना हर युग के साहित्यकार में विद्यमान रहती है। प्राप्त यश साहित्यकार को और अधिक रचना करने में प्रेरित करता है। नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार मिलने से पर्याप्त यश मिलता है। मानव मन की प्रवृत्तियों में प्रभुत्व कामना का महत्व निर्विवाद है। यश की कामना इसी प्रभुत्व कामना का रूप है। मनुष्य के द्वारा न केवल जीवित अवस्था में अपितु मृत्यु के बाद भी लोक हृदय पर शासन करना चाहता है। साहित्य को साधना मानने वाले कवियों ने अपनी इस दुर्बलता पर विजय पाने के लिए अपने जीवन के वृत्तों को उजागर नहीं किया, परंतु यश प्राप्ति के से कर्म शक्ति में बढ़ोतरी होती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि प्रशंसा और प्रोत्साहन कवि प्रतिभा के आहार हैं, परंतु ध्यान रहे यह प्राप्त यश साहित्य का गौण प्रयोजन है, प्रधान प्रयोजन नहीं। काव्य का दूसरा प्रयोजन है धन अथवा अर्थ प्राप्ति। काव्य के भौतिक प्रलोभनों में धन या अर्थ का समावेश होता है। यह भी यश की तरह गौण प्रयोजन है, परंतु आज के साहित्यकार धन प्राप्ति को अधिक महत्व देते हैं। भूतकाल में सम्राट हर्षवर्धन ने कवि धावक को प्रचुर धन दिया था। रीतिकाल के सभी कवि धन के लिए ही राज्याश्रय खोजा करते थे। केशवदास को 21 गांवों की तथा भूषण को 52 गांवों की जागीर मिली थी। बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक सोने की अशर्फी मिलती थी। शायर फिरदौसी को एक एक शेर पर एक एक मोहर देने का वचन दिया गया था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वॉल्टर स्कॉट ने कर्ज चुकाने के लिए ही उपन्यास लिखे थे। आजकल राज्याश्रय का रूप पुरस्कारों में परिवर्तित हुआ है। ऐसे पुरस्कारों को पाने के लिए सारे साहित्यकार लालायित रहते हैं। सभी लोग भक्त कुंभनदास नहीं होते जिन्हें सिकरी से कोई काम नहीं होता। नोबेल पुरस्कारों द्वारा अर्थ और यश दोनों प्राप्त होते हैं। प्रकाशन क्षेत्र में स्वत्वाधिकार या कॉपीराइट का कानून भी इसी अर्थ प्रयोजन से संबंधित है। अनेक लेखक इसी शुभ लाभ के लिए घासलेटी साहित्य का सृजन करने में लगे हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अर्थ को पुरुषार्थ बताया गया है, जिससे अपनी उपजीविका और योगक्षेम के लिए प्रयासरत रहें। काव्य का तीसरा प्रयोजन है व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति।
व्यवहार ज्ञान की प्राप्ति यह प्रयोग पाठक सापेक्ष प्रयोजन है। व्यवहार ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो इसका सीधा संबंध कवि और सहृदय पाठक और आलोचक दोनों से है। कवि काव्य सृजन से पहले रीति व्यवहार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो सहृदय काव्य के अध्ययनोपरांत। आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट आदि ने इसे काव्य का गौण प्रयोजन स्वीकार किया है। हितोपदेश, पंचतंत्र, विदुर नीति, चाणक्य नीति, नीति शतक, ईसाप नीति जैसे आख्यानक काव्य ग्रंथ तात्पर्य द्वारा पाठक को व्यवहार चतुर बनाने के लिए ही रचे गए हैं। साहित्य संस्कार संपन्न मनुष्यता का व्यवहार अनजाने ही सिखा देता है। राम जैसा वर्तन करो, रावण जैसा नहीं की शिक्षा रामायण जैसे आदि काव्य ही देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अतः यह धारणा ठीक नहीं कि काव्य व्यवहार का बाधक है और उसके अनुशीलन से अकर्मण्यता आती है। ठीक नहीं, कविता में भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार करती है। साहित्य का अथवा काव्य का चौथा प्रयोजन है अनिष्ट का नाश अथवा अमंगल का निवारण अथवा रोग का नाश। आचार्य मम्मट ने श्वेतर क्षतय अथवा अशिव नाश या रोग नाश को भी साहित्य का प्रयोजन माना है। इसमें धार्मिक बुद्धि की प्रधानता होती है। अपनी बाहु की पीड़ा का निवारण करने के लिए ही गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान बाहु की रचना की थी। मयूर कवि ने अपने कुष्ठ रोग निवारणार्थ सूर्य शतक की रचना की थी। पद्माकर ने चर्म रोग निवारण के लिए गंगा लहरी की रचना की थी। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रयोजन पर विचार नहीं किया जा सकता, तथापि मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड के आधार पर दमित वासना से उत्पन्न मानसिक रोगों के नाश के लिए यह प्रयोजन स्वीकार किया जा सकता है। डॉक्टर चंद्रभानु सोनू ने वेदालंकार लिखते हैं कि यहाँ पर हमारा मत इतना ही है कि सच्चा साहित्य अस्वस्थ मन की अभिव्यक्ति न होकर सामाजिकता की भावना से समृद्ध स्वस्थ मन की अभिव्यक्ति होता है। परंतु कुछ विद्वानों ने रोगनाशन का अर्थ सामाजिक रोगों का नाश भी माना है। काव्य का पांचवा प्रयोजन है शांतिजन्य आनंद प्राप्ति अथवा नीति अथवा लोकमंगल की प्राप्ति। प्रायः सभी संस्कृत आचार्यों ने आनंद प्राप्ति को काव्य का प्रधान प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य भरत मुनि ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के रसास्वादन में रसरूपी आनंद है। सभी प्रयोजनों के मूल में मूल प्रयोजन रसास्वादन ही है। यह प्रयोजन कवि एवं सहृदय दोनों का उपकारक है। कवि जिस आनंद को प्राप्त करता है वही आनंद सहृदय पाठक में भी उत्पन्न आनंद ही है। दिनकर जी ने लिखा है, आनंद कला की पहली शर्त है। आचार्य मम्मट ने आनंद समन्वित नीति के उपदेश को मधुरता द्वारा प्रकट करने को कहा है। मधुर उपदेश के कारण ही हमारे शील का निर्माण होता है। शील का आधार हृदय होता है। हृदय उसी वस्तु को अपनाता है जिसे वह आनंददायक पाता है। इस नीति को मुक्तिबोध रविंद्रनाथ टैगोर और रस्किन ने क्रमशः संस्कार, लोकमंगल तथा लोकहित मानकर साहित्य प्रयोजन में स्थान दिया है। वास्तव में नीति मानव के अंतरंग सौंदर्य का दूसरा नाम है। इस अंतरंग सौंदर्य का ही अनिवार्य परिणाम हृदय की मुक्तावस्था है। यह मुक्तावस्था विधायक होने के कारण साहित्य को सीमाहीन राज्य कहा जाता है। मानवता के इस सीमाहीन राज्य के वास्तविक विधायक साहित्यकार ही होते हैं। उपर्युक्त विवेचन से
स्पष्ट है कि नीति या लोकमंगल को साहित्य के आनंद से पृथक नहीं किया जा सकता। समष्टि और व्यष्टि का समन्वित हित करने की भावना नीति के मूल में होती है। समष्टि का विरोधी व्यष्टि का आनंद व्यक्तित्व को पशुत्व से मुक्त कराकर मनुष्यत्व संपन्न बनाने वाला होने के कारण अंत में समष्टि के लिए उपकारक ही होता है। काव्य या साहित्य का छठा प्रयोजन है कांता या पत्नी के समान मृदुल उपदेश अथवा हित। शास्त्रों में तीन प्रकार के उपदेश माने गए हैं, प्रभु सम्मित अथवा गुरु सम्मित उपदेश, सुहृद सम्मित अथवा मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित अथवा स्त्री सम्मित उपदेश। प्रभु सम्मित उपदेश शब्द प्रधान वेदादि ग्रंथ, सुहृद सम्मित उपदेश अर्थ प्रधान पुराणादि ग्रंथों का स्वाध्याय। कांता सम्मित उपदेश से तात्पर्य है शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव से युक्त पत्नी के वचनों के समान मधुर या मृदुल उपदेश है। काव्य में इसके प्रयोग से सहृदय उपदेश का अनुभव न करते हुए प्रभावित होता है। काव्य का उपदेश व्यंजना प्रधान होने के कारण से सरस होता है। काव्य रस कटु औषधि को भी मीठा बना देता है, इसे ही अंग्रेजी में शुगर कोटेड कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण बिहारी का जयसिंह के प्रति दोहे के रूप में किया उपदेश है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये था साहित्य या काव्य का प्रयोजन भारतीय दृष्टि से। अब हम पाश्चात्य दृष्टि से साहित्य के प्रयोजन पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृत काव्य परंपरा ने आनंद या आह्लाद को काव्य प्रयोजन बताया है, परंतु पाश्चात्य काव्य शास्त्र में साहित्य के प्रयोजन के बारे में मूलतः दो भेद हैं, एक शिक्षा और दूसरा आनंद। यह दोनों क्रमेण साहित्य की उपयोगिता तथा रस की कलात्मकता से संबंधित हैं। कभी यह दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोध में तो कभी सहयोग में खड़े हो जाते हैं। अब हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कालक्रमागत साहित्य प्रयोजनों को निम्न रूप में विवेचित करने का प्रयास करते हैं। पहले दार्शनिक हैं प्लेटो अथवा अफलातून। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक आचार्य प्लेटो ने लोकमंगल को साहित्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। वे साहित्य को उसी मर्यादा तक ग्राह्य मानते हैं जहाँ तक वह राज्य और मानव जीवन के लिए उपयोगी है। दूसरे एरिस्टोटल अथवा अरस्तु। यूनानी दार्शनिक एवं सौंदर्य शास्त्री अरस्तु ने साहित्य के प्रयोजनों में शिक्षा और आनंद को स्वीकार किया है। तीसरे दार्शनिक हैं लॉन्जाइनस। यूनानी दार्शनिक लॉन्जाइनस की दृष्टि में साहित्य का चरम उद्देश्य अथवा प्रयोजन चरमोल्लास प्रदान करना है, तर्क द्वारा अपनी बात मनवाना नहीं। चौथे आचार्य हैं होरेस, सुप्रसिद्ध रोमन सौंदर्य शास्त्री। होरेस का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। उनके अनुसार कवि का उद्देश्य तो उपयोगितावादी होता है या आह्लादवादी होता है, या कवि इन दोनों उद्देश्यों का समन्वय करता है। जो कवि उपयोगिता का और मधुरता का संश्लेषण करता है वही सफल कवि माना जाता है, क्योंकि पाठक को आह्लादित करना एवं शिक्षित करना दोनों कार्य कवि के ही हैं। पांचवे दार्शनिक हैं फिलिप सिडने। पुनर्जागरणकालीन काव्यशास्त्री फिलिप सिडने के मतानुसार काव्य प्रयोजन आनंददायी प्रणाली द्वारा शिक्षा प्रदान करना है। छठे काव्यशास्त्री हैं ड्राइडन। नवशास्त्रवादी काव्यशास्त्री ड्राइडन ने काव्य प्रयोजनों में आनंद एवं नीति उपदेश का समन्वय किया है, समावेश किया है। टू टीच डिलाइटफुली इज द फंक्शन ऑफ पोएट्री, ये उनका प्रसिद्ध वाक्य है।
सातवें साहित्य शास्त्री हैं जॉनसन। जॉनसन ने आनंद से अधिक बल नीति उपदेश पर दिया है। वे कहते हैं, इट इज ऑलवेज राइट अ ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड बेटर। इसके उपरांत प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी एस टी कॉलरीज ने भी काव्य का प्रयोजन केवल आनंद माना है और वह आनंद सौंदर्य के माध्यम से ही प्राप्त होना चाहिए। नौवें काव्यशास्त्री स्वच्छंदतावाद के उन्नायक कवि आलोचक विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने आनंद के साथ साथ सत्य की खोज को भी काव्य का प्रयोजन माना है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार काव्य सौंदर्य एवं सत्य के माध्यम से आनंद प्रदान करता है। यह सत्य की खोज ही शिक्षा है तथा प्रत्येक कवि को शिक्षक होना चाहिए। वे कहते हैं, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। आई विश आइदर टू बी कंसिडर्ड अ टीचर और एज नथिंग। दसवें काव्यशास्त्री लियो टॉलस्टॉय हैं। रूसी लोकमंगलवादी काव्यशास्त्री लियो टॉलस्टॉय का कहना है कि साहित्य सहित प्रत्येक कला का प्रयोजन मानवता की सेवा करना तथा सद्भावनाओं का प्रचार प्रसार करना है। ग्यारहवें काव्यशास्त्री हैं रस्किन। रस्किन ने साहित्य के प्रधान प्रयोजनों में मानव सेवा एवं सद्भावना के प्रचार को समाविष्ट किया है। बारहवें काव्यशास्त्री हैं विद्वान हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार साहित्य का प्रयोजन नीति उपदेश के साथ साथ आनंद प्राप्ति भी है, परंतु यह आनंद भी नीति सापेक्ष होना चाहिए। तेरहवें काव्यशास्त्री हैं डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी अथवा मनोवैज्ञानिक। डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने साहित्य प्रयोजनों में मानसिक कुंठाओं की आपूर्ति, विशेषकर काम कुंठा की आपूर्ति को समाविष्ट किया है। चौदहवें काव्यशास्त्री हैं एडलर, मनोविश्लेषण तज्ञ। एडलर ने साहित्य के प्रयोजनों में शासन की इच्छा या प्रभुत्व कामना का समावेश किया है। पंद्रहवें आलोचक हैं आई ए रिचर्ड्स, मनोवैज्ञानिक। आई ए रिचर्ड्स ने काव्य या साहित्य के प्रयोजनों में मानव मन के दो विरुद्ध मनोवेगों, ऐषणाओं एवं विमुखताओं को अधिक से अधिक संतुष्ट करके मानसिक संतुलन की स्थापना को स्वीकार किया है। सोलहवें विद्वान हैं कार्ल मार्क्स, प्रगतिवाद के संस्थापक, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। कार्ल मार्क्स ने साहित्य का प्रधान उद्देश्य या प्रधान प्रयोजन समाज कल्याण को माना है। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य वही है जो व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा देकर उसकी सुप्त नागरिक चेतना को जगाकर उसे समाज का उपयुक्त अंग बनाने में सहायक हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार प्रस्तुत किए गए काव्य या साहित्य के प्रयोजनों पर एक दृष्टिपात किया हुआ है। आशा है ये वीडियो सबको पसंद आ गया होगा। यदि आपको ये पसंद आ गया है तो कृपया करके हमारे इस जय हिंदी जय नागरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, साझा कीजिए और इसके सदस्य बन जाइए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको भविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे। जय हिंदी जय नागरी, सभी का हार्दिक धन्यवाद।